की वजह से पूरे देश के मंदिरों की कपाट बंद है। मंदिरों में ग्रहण के खत्म होने के बाद ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, लेकिन फतेहपुर में भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो ग्रहण में खुला रहता है। आरती भी होती है, भोग भी लगता है। जी, हम बात कर रहे हैं आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर की। लक्ष्मीनाथ मंदिर के पुजारी परमेश्वर भोजन के बताया कि सालों पहले चल ग्रहण था, मंदिर पंचायत के फैसले पर काल में कपाट बंद थे, इस कारण पुजारी ने भगवान लक्ष्मीनाथ जी को भोग नहीं लगाया। इसके बाद रात को लक्ष्मीनाथ मंदिर के सामने हलवाई की दुकान पर लक्ष्मीनाथ जी महाराज बालक के रूप में आए और कहा कि मुझे भूख लग रही है, आप पैजनी रख लो और बदले में प्रसाद दे दो। इसके बाद हलवाई ने पैजनी रखकर प्रसाद दिया। वहीं जब सुबह मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान की पैजनी गायब है, तब पूरी बात सामने आई। उसके बाद से मंदिर में सूतक काल में भी भोग और आरती होती है। चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण को लेकर राजस्थान और क्या भारत में सभी मंदिर सूतक काल में बंद हो जाती है। मान्यता यह है कि सूतक दिन 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य है वो नहीं होता है, जिसके बाद से ही देखा जाता है मंदिर बंद रहते हैं। लेकिन भारत का इकलौता यह मंदिर है फतेहपुर का नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर, जहाँ पट भी खुले रहते हैं, आरती और भोग भी होता है। तो ऐसे में पौराणिक मान्यता यह है कि एक बार भगवान को यहाँ पर भोग नहीं लगाया था, जिसके बाद से ही पूजा अर्चना भगवान है कुछ श्रम है यहाँ पर लेकर, यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रम भगवान है अपना खड़ा है, वो लेकर पहुँच गए थे और सामने हलवाई की दुकान पे फिर वहाँ से प्रसाद लिया और फिर उसके बदले में जो पेड़े हैं वो दिए। तो ऐसे में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो उमड़ी है, तो वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ की, सभी मंदिर बंद है। लेकिन ये जो मंदिर है सिर्फ ग्रहण जो ग्रहण काल है उसमें ही बंद रहता है, इसके अलावा ये मंदिर है उसके पट है खुले रहते हैं। राकेश न्यूज फतेहपुर।